लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13A दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है. फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई इंट्रोडक्टरी चैप्टर नहीं है. ओनली 3 आइडेंटिटीज हैं जो मैंने पिछले चैप्टर के चैप्टर नंबर 12 के इंट्रोडक्टरी में बताई थी. कौन कौन सी बताई थी मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ. दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. जिसको हम इसे इधर ले जाएं या इसे इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. और एक थी कौन सी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और नेक्स्ट थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, राइट फ्रेंड्स. ये हमारी आइडेंटिटीज है. सबसे अच्छा तरीका होता है अगर ये आइडेंटिटीज जहां पे रखी जा सकती है वहां उसको रखना और कुछ बड़ी वैल्यूज को. कौन कौन सी बड़ी वैल्यूज होती हैं? दैट इज 10 कॉट सेक एंड कॉसेक. इनको स्मॉल टर्म्स में डिफाइन करना. लाइक 10 होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट. और कॉट होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या 1 अपॉन 10 थीटा, राइट. सेक होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, राइट फ्रेंड्स. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसका सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है. हमेशा या तो आइडेंटिटीज लगाएं या बड़ी वैल्यूज को स्मॉल टर्म्स में ट्रांसफर करें, चेंज करें, राइट. अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम उसको? साइन स्क्वायर थीटा. तो मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा. वाई? बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी आप साइड में जरूर लिख के आए कौन सी आइडेंटिटी यूज की है आपने. अब साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं. कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट. वाई? बिकॉज कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट. तो ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1. यही प्रूव करना था. तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस cot square theta sin theta equals to 1 प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे? फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 1 प्लस cot square theta sin theta, सॉरी sin square theta है, राइट. तो अब 1 प्लस cot square theta को हम क्या लिख सकते थे? cosec square theta. देखिए ये लिखा मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा. क्यों? देखिए हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, राइट. ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. तो क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट. तो ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. अब कॉसेक थीटा को हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं का होल स्क्वायर स्क्वायर था इंटू
साइन स्क्वायर थीटा. वाई? बिकॉज कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin θ, राइट. अब ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1, 1 ही प्रूफ करना था. हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.